फ्रेंड नमस्कार। आज हम अपने गांव में हैं जो कि हम आपको बहुत ही फ़ायदेमंद वाली एक हरी भरी चीज़ दिखाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए पेड़ दिख रहा है आपको, ये जो है अंजीर का पेड़ है। ये पेड़ इसमें जो है अंजीर लगती, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इसी पे जो है गिलोय लगी है जो कि बुखार में बहुत ही काढ़ा बना के पीने से बहुत ही जल्दी बुखार को कवर करती है, काउंट्स वगैरह जो है जल्दी से बढ़ा देती है। इसलिए आज हम आपको इस गुड़ से आपको दिखाएंगे पेड़। ये घर के हमारे सामने ही लगा है, एक घर जो है गिरा है उसी में जमा हुआ था, बहुत काफ़ी दिन से लगा है पेड़। अब इसी पे जो है गिलोय भी लगी है। अंजीर का फ़ायदा भी बहुत अच्छा होता है, जो स्त्रियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अंजीर, और गिलोय से तो टाइफाइड वगैरह सब काढ़ा बनाने से पीने से उसमें बहुत ही जल्दी उसके काउंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं। अब हम इसकी एक डाल तोड़ लेंगे इसमें से जो है, और गिलोय की ये देखिए गिलोय की हमने जो है एक डंडी तोड़ी है, और इसी से हम काढ़ा बना के आप लोगों को दिखाएंगे इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं। और बुखार में और या सर्दी जुखाम में किसी भी मतलब तरीके की वैसी बीमारी, सर्दी जुखाम बुखार वगैरह वगैरह में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए कितना लंबा पेड़ है, ये देखिए इतना भारी सा पेड़ है। हमारी छोटी वाली देवरानी डाल बड़ी खींच के आपको हम दिखा दें दोबारा। ये देखो खींच नहीं रही, बहुत बड़ी है, इसको कस के खींच रही हैं। अब टूट भी नहीं रही है, चक्कू से काटेंगी नहीं इससे तब कटेगी। देखो बाबू हमारा चाकू लेके आया है, अब इस डाल को जो है चाकू से काटेंगे। ये देखो कट गई, देखो कितनी बड़ी है जैसरी, बहुत बड़ी है। ये देखो कितनी बड़ी है डाल, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख ली। हमारी छोटी वाली देवरानी है, ये देखो इन्होंने जो है एक डाल हमें काट के दे दी है बड़ी सी। अब इसका हम काढ़ा बना के आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बनेगा काढ़ा इसका। फ्रेंड ये जो है हम घर से लाए थे अम्बरबेल की डाल, कुछ इस तरीके से काट के रख लिए थे, और जो है इस तरीके से टुकड़े में आप काट लीजिए, इसका काढ़ा बना के पिए। इस समय बुखार चल रहा है, स्नूफ्लॉफी टाइफाइड वगैरह में बहुत फ़ायदा करता है। और इस वीडियो से हम आपको ये नहीं बता रहे हैं बल्कि आप खुद ही इसमें जो लोगों के लिए आप थोड़ी वजह से ये इसमें जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमने थोड़ा सा कूट लिया, इसमें हमने 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च डाली हैं, और ये एक गिलास पानी रखा है जो हमारा खोल चुका है। अब हम इसमें ये डाल देंगे, और जो है इसमें काढ़े में हम थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देंगे। अब उसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे, आप इसी किसी चीज़ में कूट के जो है अम्बरबेल को डाल दीजिए अच्छे से 10-5 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, हम काला नमक यूज़ कर रहे हैं जो पेट के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा सा डाल दिए 2 चुटकी, और इसे जो हम 10-5 मिनट के लिए स्लो आंच पे बनाएंगे। ये गिलास पर हमारा पानी था, हम छोटी गिलासिया भर पानी जब बचेगा उतनी देर तक इसे पकाएंगे, फिर हमारा काढ़ा अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए काढ़ा पक रहा है, इसे हम 5-6 मिनट तक अच्छे से पका लिए हैं। अब हम इसे उतार लेंगे और छान लेंगे। ये देखिए ज़रा सा काढ़ा बचा है, बाकी पानी सब चल गया है, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे गिलसिए में छान लेंगे। इतना सा बच्चा है एकदम पक के, और आप इसे थोड़ा सा इसमें आप नींबू डाल के भी पी सकते हैं, जिससे इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। और ये बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और पेट वगैरह में भी फायदा करता है, बहुत सारी चीज़ों में ये जो है फ़ायदा करता है, लेकिन इस समय बुखार में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसलिए आप इसका काढ़ा बना के ज़रूर पिए सुबह शाम। अगर आपको बुखार है तो बहुत जल्दी इसकी पत्तियाँ भी खाई जाती है, अगर आप सुबह इसकी पत्ती मिल जाए वो खाएँ, उससे और भी फ़ायदा होता है। लेकिन कभी आप कहीं से जान उसमें उगा भी सकते हैं, अच्छे से उग जाती है पेड़ पे, लेकिन फैलती है। अगर आपके घर में कोई पेड़ वगैरह हो उस पर डाल दीजिए और उस पर जो है फैल देगी। अब इसका काढ़ा पी लीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है।